हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास। और टुडे चैप्टर इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हम बात कर रहे हैं अपने जो सब्सटेंसेस अपने को नेचर से मिलते हैं, ठीक है, उनका क्या मिलता है, अपने को मिक्सचर मिलता है। एंड वी ऑल्सो नो दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, दैट इज होमोलोगस मिक्सचर एंड हेटेरोलोगस मिक्सचर, ठीक है। इनके बारे में अपन जानते हैं, बट अपने को क्या करना है, इफ़ यू वॉन्ट टू यूज देन वी हैव टू सेपरेट। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेथड्स ऑफ सेपरेशन। इन सब्सटेंसेज को अपन क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट करने के इनके जो मेथड्स हैं उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। ओके, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, इन सब्सटेंसेज को सेपरेट करने के जो मेथड्स होते हैं सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो इन मेथड, इन सब्सटेंसेज को सेपरेट करने के जो मेथड्स हैं अपन उनके बारे में बात कर रहे हैं। डन, नाउ वी ऑलरेडी रीड अबाउट आवर फर्स्ट मेथड इज हैंड पिकिंग। ओके, जो हैंड पिकिंग है उसके बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बेसिकली जो सेपरेशन का जो मेथड हो तो है हैंड पिकिंग ही होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही यूज़ किया जाता है बेसिकली। अगर अपने को कोई भी सब्सटेंसेस लेना है, अगर उसको सेपरेट करना है, तो अपन हैंड पिकिंग से ही करते हैं। डन, ओके। एंड और सेकेंड मेथड इज वॉज सीविंग। अपना जो सेकेंड मेथड था वो क्या था, सीविंग, जिसमें अपन किसका यूज कर रहे थे, स्ट्रेनर का। डन, नाउ और थर्ड वन इज फिल्टरेशन। ओके, जैसे वाटर को अपन क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। डन, नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट विनोइंग। और फोर्थ मेथड इज विनोइंग। अपना आज का जो फोर्थ मेथड है वो क्या है, विनोविंग। तो ये जो विनोविंग की जो प्रोसेस है, इसमें अपन सब्सटेंसेस को कैसे सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड है अपना, इसमें क्या होता है कि जो हैवियर सब्सटेंसेस होते हैं उनको लाइटर सब्सटेंसेस से सेपरेट करने का ये मेथड होता है। इन दिस मेथड वी सेपरेट हैवियर एंड लाइटर सब्सटेंसेज। इस मेथड में अपन करते क्या हैं, जो हैवियर सब्सटेंसेज होते हैं और लाइटर सब्सटेंसेज होते हैं उनको अपन सेपरेट करते हैं। और इसमें जो अपनी एयर है, ओके, ब्लोइंग एयर है, इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। क्योंकि अपन इसमें हैवियर और लाइटर सब्सटेंसेज को, जो एयर है उसकी हेल्प से अपन इनको सेपरेट करते हैं। डन, जो ब्लोइंग एयर है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं अपन, एयर ब्लो होती है उसी से इनको है क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। डन, तो इस टाइप का ये जो मेथड है, इट मीन्स विनोविंग का जो मेथड है, वो मोस्टली फार्मर इसको यूज़ करता है, फार्मर इसको यूज़ करता है, ठीक है। और वो क्या कहाँ यूज़ करता है, जब उसके पास में जो ग्रेन्स होती हैं, ओके, ग्रेन्स कोई भी हो सकती हैं, लाइक राइस, वीट, सबसे ज़्यादा वीट में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो फार्मर है वो क्या करता है, अब अपने को पता है फील्ड से अपन ने क्या किया, वीट है उसको हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद क्या होता है, उसमें जो हस्क कंटेन होता है, इसमें क्या होता है, हस्क वो कंटेन होता है। तो ये हस्क क्या करता है, ये तो क्या होता है, लाइट होता है, इसका जो वेट होता है वो क्या, लाइट वेट होता है। और जो जो वीट है, इट मीन्स जो ग्रेन्स आपकी, उसका जो वेट होता है वो क्या होता है, हैवी होता है। तो इस हैवी, इट मीन्स वीट को हस्क से सेपरेट करने के लिए वो क्या करते हैं, विनोविंग का जो मेथड है उसको यूज़ करते हैं। और करते कैसे हैं, इसमें क्या होता है कि मतलब वो फ्लैट एक कंटेनर लिया जाता है और उसमें क्या करते हैं, उसमें ये जो जो मिक्सर है, वीट प्लस हस्क का जो मिक्सर है, वो उसमें डालते हैं, डाल के फिर उसको धीरे धीरे वो क्या करेंगे, स्लो स्लो उसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ क्या करेंगे, पोर करेंगे, ठीक है, नीचे की तरफ डालेंगे, लेकिन धीरे धीरे डालेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा कि जिस तरफ से एयर है, जो एयर ब्लो हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है, ये सेपरेट किया जाता है। इट मीन्स लाइक अगर इधर से क्या कर रही है, एयर है वो ब्लो हो रही है, ठीक है, तो आप यहाँ जब डालोगे ये हस्क, जब आप ये मिक्सर यहाँ डालोगे, तो क्या होगा कि जो वीट है वो तो क्या करता है, वो तो हैवी पार्ट होता है, इस मिक्सर का हैवी पार्ट होता है, तो वो क्या करेगा, स्ट्रेट नीचे की तरफ आएगा। इट मीन्स उस पर जो एयर है वो इतना फोर्स नहीं डाल पाएगी, वो वर्क नहीं करेगा। तो ये तो क्या होगा, स्ट्रेट जो वीट है वो तो क्या करेगी, स्ट्रेट नीचे आएगी, ठीक है। तो उसका क्या बन जाता है, इस टाइप से उसका हीप ऑफ वीट बन जाता है, हीप बन जाता है, उसका ढेर बन जाता है। और जो हस्क है, अपन सभी जाते हैं, हस्क क्या है,
लाइट वेट है, तो लाइट वेट होने की वजह से ये क्या करता है, इस तरफ से एयर के साथ में ये क्या करता है, ब्लो कर जाता है और ये दूर जाके गिर जाता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, डन। तो जो एयर है वो कैसे हो जाती है, इसमें एयर के साथ में जो हस्क है वो ब्लो हो जाता है, डन। इसको और अच्छे से समझने के लिए अपन, आप कर सकते हो अपने हाउसेस पे, आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक्टिविटी से आप इसको समझ सकते हो। आप हाफ के जी या फिर इसमें ज़्यादा आपको क्या लेना है, आप जितना भी आपको नीड है जितना भी आप ले सको, ठीक है। थोड़ा सा आपको क्या करना है, ग्रेन जो व्हीट है वो आप ले लोगे, ठीक है। और उसमें आपको क्या मिक्स करना है, स्ट्रो, ठीक है, ड्राई लीव्स, ड्राई लीव्स आपको इसमें क्या करनी है, कंटेन करनी है। तो ये क्या बन गया आपका मिक्सचर बन गया, इसमें आपने क्या लिया, व्हीट, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, देखो इसको समझने के लिए, तो आपको क्या करना है, एक साइड में जो टेबल फैन होता है उसको रख लेना है। फिर आपको एक स्टील की प्लेट लेनी है, स्टील की प्लेट से आप क्या करोगे, उसको धीरे धीरे पॉर करोगे, नीचे की तरफ धीरे धीरे डालोगे, ठीक है। आपको क्या करना है, जो आपकी स्टील की प्लेट है उसको हल्का हल्का नीचे की तरफ आपको झुकाना है, ठीक है। तो जैसे जैसे उसमें गिरेगा, अब लाइक जैसे मैं यहाँ से डाल रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना है, जो टेबल फैन है वो रखना है। जब आप उसको ऐसे डालोगे तो जो आप देखोगे कि ये जो ग्रेन्स हैं, जो हैवी पार्ट है इस मिक्सचर का, वो तो क्या करेंगे, वो तो स्ट्रेट क्या करेंगे, मूव करेंगे और उनका हीप बन जाएगा अपने जो फ्लोर है उस पर, ठीक है। और ये जो हस्क है, जो आपने स्ट्रो, ड्राई लीव्स वगैरह ये जो आपने ली है, वो क्या करेंगी, इस एयर के साथ में, इट मीन्स एयर कहाँ से आ रही है, जो टेबल फैन है उससे आ रही है, और ये एयर क्या करेगी, उसको दूर जाके ये जो आपका जो भी वेस्ट मटेरियल है वो गिर जाएगा, डन। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ विनोविंग, जो ब्लोइंग एयर की हेल्प से ये सेपरेट किया जाता है, डन। नाउ और नेक्स्ट मेथड इज सेंट्रीफ्यूगेशन। अपना नेक्स्ट जो मेथड है सेपरेशन का वो क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, ओके, इस टाइप का ये जो मेथड है, इसमें क्या होता है कि जो अपना लिक्विड है उसमें से क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि बहुत स्पीड से इसको रोटेट किया जाता है, जो अपना जो लिक्विड है उसमें क्या होता है, सॉलिड सस्पेंडेड अपना जो भी होता है उसको क्या करता है, उसके साथ में एक अच्छे से उसको रोटेट किया जाता है। रोटेट करने के बाद में आप देखोगे कि इसके जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, तो ये हैवी पार्टिकल्स तो क्या करते हैं, इसके बॉटम में सेट हो जाते हैं, सेट ऑन बॉटम, इसका जो बॉटम होता है उसमें क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर इस तरह से आप इसमें इस लिक्विड से ये जो सॉलिड सस्पेंडेड है इनको आप सेपरेट कर सकते हैं, ओके। और ये जो मेथड होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, इस टाइप का जो सेपरेशन होता है उसमें क्या होता है, जो मिल्क होता है उससे क्रीम सेपरेट की जाती है। इसी मेथड से क्या होता है, जो मिल्क होता है उससे अगर आपको क्रीम सेपरेट करनी है, ठीक है, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का जो मेथड है वो मिल्क से क्रीम सेपरेट करने में यूज में लिया जाता है, ओके। देन आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ विनोविंग एंड व्हाट इज़ द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, डन। So enough for today, next we talk in our next video. Thank you.